ये लड़का तुम्हारा बेटा? और हमें पता ही नहीं? दादी माँ, जाहिर सी बात है, माँ किसी दबाव में आकर ये झूठ बोल रही है। इस नीच आदमी ने फिर से कोई चाल चली है। नहीं विवेक, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसकी रगों में भी वही खून बह रहा है जो जो तेरी रगों में बह रहा है। वाह भाभी जी वाह, बेटा है आपका। हमको तो बरसों बाद पता लग रहा है कि हमारा तीसरा भतीजा भी है। तो भाभी जी, अगर ये वाकई में हमारा भतीजा है तो फिर समाज से और परिवार से छुपाया क्यों गया इसे? भाभी जी, समाज से और परिवार से बच्चों को तभी छुपाया जाता है जब वो नाजायज हो और गंदा खून हो। चाचा जी, मत लगाइए ऐसे लांछन मुझ पर, मत लगाइए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये बेचारी जो कुछ भी बोल रही है, इस पापी के डर से बोल रही है। मुझे भी ये लगता है दादी माँ, इस शांतनु ने जरूर कोई जाल बिछाया। पहले इसने राधिका को फंसाया और अब माँ को मजबूर कर रहा है। दादी माँ, इसने माँ को डरा रखा है। लेकिन मैं इससे नहीं डरती, मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगी। मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ही शातिर चाल चली है तुमने। मेरी बहू को मजबूर किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन मैं तुम जैसे धूर्त से नहीं डरती, मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ। चलो निकलो मेरे घर से। नहीं, निकलो। नहीं माँ जी, नहीं। मैं एक बार इसे अपने जीवन से निकाल चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ जी, एक भूल जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ वो अब आपको नहीं करने दूंगी। नहीं माँ जी, अरे आप ही का पोता है, आप ही का पोता है माँ जी। ये तुम क्या कहे जा रही हो बहू? कब हुआ ये बेटा तुम्हें? 28 साल पहले माँ जी। 28 साल पहले? लेकिन वो तो मरा हुआ। नहीं नहीं माँ जी, वो जिंदा था। मैंने ही सबसे कह दिया कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे त्याग दिया। त्याग दिया था? ये मेरे कुल का दीपक है, मेरा पोता। अच्छा बेटा, आप एक बात भूल रही हैं चाची माँ, ये लड़का बहुत ही नीच हरकतें कर रहा था, इसीलिए हम सब इससे नाराज थे। सुशील, बच्चे जब माँ बाप के बगैर पलते हैं ना, तो कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे देव और विवेक से भी ज्यादा अच्छा साबित होगा।
अरे वो छोटी बहू ने जो खीर और हलवा बनाया वो कहाँ है? अरे खीर तो आ गई। माँ जी, ये लीजिए मूंग दाल का हलवा। अरे वाह माँ, आज तो आपने बहुत सारे पकवान बनवा दिए। विवेक, मेरा बस चलता ना तो 56 भोग बनवाती आज। वैसे मैं कह रही थी कि भूख लगी है, खाना शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं, बस शांतनु आ जाए। आओ बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं नहीं माँ, आप वहीं बैठिए। भैया आप यहाँ बैठिए माँ के पास। शांतनु तुम्हें क्या दूँ? मुझे तो तुम्हारी पसंद नापसंद कुछ भी पता नहीं है। कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे आपको मेरी सारी पसंद पता चल जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं जरूरी कॉल है। हेलो। आज इतने सालों बाद मेरा तीसरा पोता घर लौटा है, सबको बताना पड़ेगा ना, उसे उसका हक दिलाना होगा। हक? कैसा हक? हक का मतलब है कि देव से बड़ा होने की हैसियत के कारण उनको राजपुरोहित बना दिया जाएगा। हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, शांतनु भैया को राजपुरोहित बना दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जो राजपुरोहित बनता है वो जिंदगी भर राजपुरोहित ही रहता है। क्या सोच रही? देखिए ना, मैं वो चादर बिछा रही थी और हमारी तस्वीर गिर गई। कांच का टूटना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बस राधिका, तुम खामखा डर रही हो। हमारा प्यार इतना गहरा है कि हमें कोई भी अपशगुन एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और अगर मैं तुमसे अलग हो भी गया तो अगर मैं तुमसे अलग हो भी गया तो मैं 7 ताले तोड़कर 7 समुंदर पार करके 7 आसमान चीर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वैसे भी ये देखो, ये सच्चाई है। वो तस्वीर जो टूट गई, ये कभी नहीं टूटेगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।